खबर जैसलमेर से। जैसलमेर से खास रिपोर्ट गोबाराम जयपाल की। फतेहगढ़ उपखंड के डांगरी विद्यालय में वार्षिकोत्सव पर अंजना मेघवाल ने बालिका शिक्षा के लिए जरूरतमंद बालिकाओं को आर्थिक सहायता की घोषणा। तो एनजीओ द्वारा निर्मित भवन का उद्घाटन कर विद्यालय को सौंपा। वही स्थानीय निवासी अगर सिंह ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की। राजकीय माध्यमिक विद्यालय डांगरी में वार्षिक व पूर्व विद्यार्थी तथा भामाशाह सम्मान समारोह आयोजन हुआ। क्षेत्र में इसी विद्यालय में हर साल इतने भामाशाह क्यों? सीधा जवाब यही होगा कि स्थानीय विद्यालय के विकास हेतु स्थानीय निवासी पीईओ गोयल द्वारा समय समय विद्यालय में आवश्यक संसाधन की पूर्ति हेतु ग्रामीणों व कई एनजीओ भामाशाह के ध्यान में लाया जाता है। इसलिए इस विद्यालय में लाखों के रुपए में संसाधन भामाशाह व एनजीओ द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ग्रामीण स्कूल में भामाशाहों के सहयोग से पहली बार हरेक कक्षा में तीसरी आंख यानी सीसीटीवी लगाई जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य महिला आयोग सदस्य एवं पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल एवं अध्यक्षता प्रधानाचार्य हुक्मराम गोयल ने कहा कि विशिष्ट अतिथि के रूप में डांगरी सरपंच प्रतिनिधि त्रिपाल सिंह, समाज सेवी अगर सिंह, जयराम दया, समाज सेवी गौतम जैन आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर नन्ही नन्ही बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत किया गया, जिसमें विद्यालय की कई होनहार छात्र छात्राओं ने अपने हुनर एवं कला का प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस विद्यालय के पूर्व छात्र कला में आगे बढ़कर दंगल जैसी फिल्म में भी आवाज दी थी कि इस तरह इस विद्यालय में कई होनहार कलाओं को निखारा जा सकता है। कार्यक्रम में मंच पर आसीन कई वक्ताओं ने बालिका शिक्षा को लेकर क्षेत्र की प्रशंसा की एवं इस क्षेत्र में वर्तमान में मूलभूत संसाधनों की लगातार पूर्ति के लिए वक्ताओं ने सरकार व क्षेत्रीय विधायक का आभार जताया। मुख्य अतिथि अंजना मेघवाल ने अपने जीवन में कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करते हुए जीवन में घटित घटनाओं का उदाहरण पेश करते हुए बालिकाओं को आगे बढ़ने का आह्वान किया एवं आर्थिक स्थिति से जूझ रही बालिकाओं का हौसला रखकर आगे बढ़ने व जरूरत आर्थिक मदद व सहयोग करने की भी घोषणा की गई। इस समय कई मंचासीन अतिथियों द्वारा विद्यालय में जरूरतमंद संसाधनों की व्यवस्था के लिए सहयोग राशि भी भेंट की गई। कार्यक्रम समापन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य हुक्मराम गोयल ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। उद्बोधन में सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों को संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन जगदीश प्रसाद पालीवाल ने किया। इस कार्यक्रम को लेकर क्या क्या महिला आयोग सदस्य अंजना मेघवाल ने कहा, देखते हैं। और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे जिस तरीके से आप जैसे महान व्यक्तित्व आज कर रहे हैं। तो अपने किसी भी मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हमारे देवी देवताओं के चरणों में स्तुति करके करते हैं। तो जब राज्य महिला आयोग में एक जैसलमेर की बेटी को प्रतिनिधित्व मिला तो मुझे खुशी हुई कि आज जो जैसलमेर की बच्चियों पर या प्रश्न चिन्ह करते थे उनके लिए एक उदाहरण है कि जैसलमेर की बेटी तीन सदस्य में से यहाँ से चुनकर जाती है। तो ये अपन सबके लिए बड़ी चीज़ है, जैसलमेर जिले के लिए। आप सबको उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और विधायक महोदय, विधानसभा होने के कारण आपके कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो पाए। 3 साल के जो कोरोना के कार्यकाल के साथ साथ जब जो भी चैलेंजेस के साथ जो विकास हुआ, तो अभी जो गत वर्ष गत टाइम में जो काफी चीजें हुई ना, तो मुझे पहले तो क्या याद रहता था उस पंचायत में या उस एरिया में जाती फटाफट बोल देती थी, पर अब ज्यादा संख्या होने के कारण मैं खुद कहने जब अभी स्कूलें हैं शायद एक कार्यकाल में एक साल में 2 या 3 स्कूलें क्रमोन्नत होती थी हमेशा। अब जैसलमेर जिले में 100 से ज्यादा स्कूलें क्रमोन्नत हो चुकी है, 100 से ज्यादा। तो मैं सरपंच साहब से भी पूछ रही थी आपकी डांगरी में कौन कौन सी हुई है बालिका के अलावा, आपने एक और बताई वो दूधी क्या, हाँ दूधलाई नाडी। तो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही क्योंकि अपन जो नई पंचायत समिति सृजित हुई जिसके कारण इस क्षेत्र का और विकास जो 20-30 साल आगे ले जाएंगे, ये भी कहना अतिशोक्ति नहीं होगा। नई पंचायत समिति प्लस छोटी छोटी 11 नई ग्राम पंचायतें बनाकर जैसलमेर जिले को जो और नई ऊंचाइयां विधायक महोदय ने दी। साथ ही सब कहते हैं पक्षपात करते हैं नहीं करते हैं आप लोग, क्योंकि ये फतेहगढ़ तो फतेहगढ़ में तो मिलना ही है। अच्छा। तो साथ ही जैसे अपन को लगता है जिस एरिया के होते हैं वहाँ थोड़ी ब्याही तो करते ही हैं, तो आपके एरिया को मैं बधाई दूंगी कि पंचायत समिति फतेहगढ़, पीएससी से सीएससी फतेहगढ़, और जहाँ हम सोचते थे सिर्फ जैसलमेर शहर में ही कॉलेज होता है, वहाँ सबसे पहला अपनी विधानसभा में फतेहगढ़ को जो कॉलेज दिया। और मैंने कहा इस बार तो कुछ बचा नहीं है, मैं कह अड़ो के मैं मतलब मैं यहाँ कहते मैं हैंग तो फतेहगढ़ ना दे दियो, हमें की दे लगे हमें तो सब चीज हो गई। तो इस बार भी बजट में जो आईटीआई के रूप में जो विद्यार्थियों को सौगात दी है, इन सबके लिए आपको बहुत बहुत मैं बधाई प्रेषित करती हूँ।
शिक्षा के क्षेत्र में इससे बड़ा खोए, और जो अभी आप ही के विद्यालय का जैसा अभी बताया गुरुजी ने, जो बोर्ड यहाँ स्वीकृत हुआ है उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आप सबको कि आप बच्चों को बाहर नहीं जाकर यहीं भी सेंटर होगा, और चाहे वो पेयजल हो, चाहे सड़क हो या जीएसएस